everyone welcome back to my youtube channel so ask topic is quite interesting because today i'm going to talk about this digital marketing i know some of you have requested uh, to talk about this topic so that's where i thought like i should create a video based upon your requirement i know and i also want to create actually a video on this digital marketing but somehow i was not able to but yeah it's very good that you know you commented on the chat box that you want video on this topic so that's why i'm creating this video on demand and thank you so much you know for uh, writing requirement and all so this is very much appreciated i can say so in today's video i'm going to talk about this digital marketing so i'll start from the basics like my basics is start career value and definitely i'll talk in hindi in english both it, it, like this video will be combination of both the languages i'm not going to purely talk in english so that can be the best beneficial for those like for the larger larger audience i can say that because i know बहुत सारी ऑडियंस है और सारे लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं सो दैट्स आई एम गोइंग टू यू नो यूज़ मिक्स लैंग्वेज सो डिजिटल मार्केटिंग जैसा कि आप जानते हैं इट्स अ क्वाइट ट्रेंडिंग स्किल एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू लर्न बिकॉज पहले क्या होता था कि uh, पहले आई मीन पीपल फोर नॉट यू नो यूजिंग द डिवाइस लाइक सबके पास ऐसे फ़ोन्स नहीं होते थे या लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते थे या फिर लोग यू you नो know, टीवीज देख रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे करके लोगों को यू you नो know, ऐसे मार्केटिंग चलती थी इनमें किसी ने न्यू न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दिया या किसी ने मैगजीन्स में एडवर्टाइज दे दिया या फिर आप देखते हो कि न्यूज आई मीन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते थे बट इन टूडेज जनरेशन लाइक एवरी वन हैव यू नो दिस डिजिटल डिवाइस लाइक सबके पास फोन है घर में चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे जिस भी एज जनरेशन के लोग हों सब पास अपने फ़ोन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं सब अपने फोन पे लगे रहते हैं एंड जो भी चीज होती है लाइक नो वन इज वॉचिंग टीवी ऑल दो एज यू कैन सी दैट दी टीवी बिहाइंड माई बैक बट हमारे घर में टीवी कभी नहीं चलती है बिकॉज सबके पास अपना डिवाइस आई एम ऑक्यूपाइड इन माई लैपटॉप यू कैन से दैट आई एम टॉकिंग इन वन लैपटॉप एंड द इज वन लैपटॉप बिहाइंड यू नो मी एंड ऐसा करके सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं नो बडी इज यू नो ओपनिंग द टी वी एंड ऑल सो दैट्स वाई दिस इज द न्यू ट्रेंड जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट यू नो मार्केटिंग बाय द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और द डिजिटल प्लेटफॉर्म बिकॉज क्या होता है कि ट्रेंड के साथ लोग अपने आप को बदलते हैं सो so, अगर आज कोई एडवर्टाइज करेगा न्यूज पेपर में या फिर यू नो टी वी में या मैगजीन में तो वो मेन ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज एवरी वन इज क्वाइट एक्ुपॉइड इन देयर वर्क सो दैट्स वेयर दिस डिजिटल मार्केटिंग इज कमिंग सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई शेयर माई स्लाइड डेक एंड देन आई टॉक अबाउट दिस बेसिक्स अबाउट दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड एट द

आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि जब किसी पर्सन के पास बहुत सारे स्किल्स होती है लाइक मे बी दे नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उन डिजिटल मार्केटिंग भी आती है या फिर ऐसे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सारी ट्रेंड्स आती है तो देर आर हायर चांसेस कि वो पर्सन जल्दी हायर हो और उसे अच्छे अमाउंट में मनी भी मिले एज अ सैलरी सो दैट्स वेयर आई थिंक I thought I should create video and also based upon your request. So this video is on the high demand. I can say that. Otherwise, I don't know my video with ni jaldi thi ya nahi. but yeah, as this was requirement or requested, that's where I'm creating this video. So let's get started, guys. Get started. I hope you all can see my screen. So I have created this slide deck. So I'm going to talk about you know this digital marketing. So let me scroll a bit and then I will, you know, talk about what is this digital marketing. So डिजिटल मार्केटिंग सो डिजिटल मार्केटिंग इज न डिजिटल चैनल टू मार्केट द प्रोडक्ट मीन यूजिंग दिन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके जब आप मार्केटिंग करते हो सो दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रही हूँ पहले एज आई ऑलरेडी गेव एग्जाम्पल की पहले क्या होता था मैगजींस पे लोग एडवर्टाइज करते थे न्यूज पेपर में एडवर्टाइज करते थे या फिर यू नो टीवी पे करते थे बट एज ऑफ नाउ सबके पास मोबाइल फोन्स है तो उसके थ्रू जो एडवर्टाइजिंग होती है दैट इज कॉल्ड दी डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोग क्या करते हैं अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं जो एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर है फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ फैशन इंतुजिया मे बी आई लव यू नो वेयरिंग द ट्रेंडिंग क्लॉथ्स मे बी माय मदर इज नॉट मे बी माय फादर इज नॉट यू नो दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट मे बी माई मदर इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग और मे बी माई फादर इज इंटरेस्टेड इन यू लिस्टिंग द न्यूज़ सो वी ऑल हैव यू नो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट So, जो एक्चुअल कस्टमर तक उनकी चीज़ें पहुंचाना जब जब भी आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट या ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते होगे तो आप देखते कि तो मे आप आपने अपना गूगल ओपन किया तो भी आपको वो मिंत्रा वाले नोटिफिकेशन दिखते हैं कि हाँ फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ़ोन सर्च किया तो वो फ़ोन के रिलेटेड वो आपको एडवर्टाइज़ दिखाते रहते हैं सो दैट इज़ दैट इज़ द डिजिटल मार्किटिंग वो नो सर्च इंजन ऑप्टमाइजेशन जिसके थ्रू और वो आपके रिक्वायरमेंट को पता करते हैं देन वो बार बार आपको वो सेम एडवर्टाइज दिखाते रहते हैं ताकि आप जल्दी से उस चीज़ को बाई कर लो तो एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचाना सो दैट इज़ यू नो कम्स अंडर द डिजिटल मार्किटिंग कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचा पा रहे हो सो दैट इज़ काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड there are multiple forms of the digital marketing so i'll talk in my letter slide deck about like uh, what are the i mean what type of digital marketing is there and you know uh, what are the advantage of digital marketing so as i explained in simple terms like this is the digital marketing now i'm moving towards the next slide deck so benefit of digital marketing so what is the ben benefit so as i mentioned key पहले क्या होता था कि जब न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स या जब मैगजीन्स में चीजें निकलती थी तो सबके पास नहीं पहुंच पाती थी बिकॉज यू नो नॉट हैव वन डजेंट नंबर आई मीन ऐसा कुछ फ़ोन या कुछ नहीं होता था तो so, लिमिटेड घर में फॉर एग्जाम्पल आपके बचपन में जब न्यूज आता होगा तो न्यूज थे, लाइक like कि सब लोग घर में न्यूज पढ़ रहे हैं या कुछ बट थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग जब आप डिजिटली किसी चीज को यू you नो know, प्रमोट करते हो तो एवरी वन है पास डिवाइस है तो जो आपकी ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंच पाती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज टीवी पे कर रही हूँ तो फिर वो क्या होगी कि जो टीवी देख रहे हैं बस वहीं तक पहुंच पाएगी बट अगर मैं अपनी चीज़ों का अपने भी एडवर्टाइज कर रही हूँ लिंकड पे फेसबुक पे और इंस्टा uh, पे या फिर गूगल पे तो उसके थ्रू क्या होगा कि मेरी वाइडर ऑडियंस होगी क्योंकि मैं हर जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ सो दैट इज़ यू नो बहुत आसानी से मेरी ऑडियंस तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी और ब्रॉडर ऑडियंस तक होंगी तो जिन्हें चाहिए होगा जिन्हें नहीं चाहिए होगा दैट कैन बी रीच टू टू to, towards द एवरीबाडी लाइक अगर किसी ने भी प्लेटफॉर्म मेरा इंस्टा पेज ओपन किया फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपनी वेबसाइट रन करती हूँ दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्मेटिक्स तो अगर मैं उसका इंस्टा पे पेज बनाती हूँ फेसबुक के पोस्ट पेज बनाती हूँ लिंक पे पेज बनाती हूँ सो so, मेरी जो ऑडियंस होगी वो इज़िली कहीं से भी मुझे मतलब uh, कहीं से भी मुझे, मुझे मिल जाएगी बिकॉज आई हैव सेपरेट यू नो डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर यू नो आई एम मार्केटिंग माई प्रोडक्ट्स सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यू नो दिस डिजिटल मार्केटिंग that यू कैन गेन दी वाइडर ऑडियंस now कॉस्ट effective पहले क्या आप देखते हो गए मैगजीन्स में किसी चीज़ को निकलवाना या फिर टी वी पर एडवर्टाइज कराना इज वेरी कॉस्टली लाइक अगर आप किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज देते हो गए टीवी पे देन यू हैव टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट एडवरटाइजमेंट बट नाओ इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को मार्केट करते हो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट दी नो नो इंस्टाग्राम पेज फेसबुक या ट्विटर पेज बनाना बहुत आसान है देन यू नीड टू हायर अ सोशल मीडिया मैनेजर इफ़ यू वांट टू हायर अगर आप इसे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स चला रहे हो एंड देन इफ यू वॉन्ट टू हायर अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर दैट देन यू कैन हायर सोशल मीडिया मैनेजर तो क्या होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। बार बार टीवी पे जाना एंड एंड देन 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 मैगजीन के कराना, के थ्रू थ्रू कराना यू हैव टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बट वेन यू आर गोइंग विद दिस यू नो डिजिटल प्लेटफॉर्म इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रिसाइज टारगेटिंग मेजरेबल आउटकम सो एज आई कि आपकी जो चीजें होती है वो प्रिसाइज ऑडियंस के पास चलती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई शू सर्च किया मिंत्रा पे देन मैं मे बी मैं अपने इंस्टा पे जा रही हूँ तो भी वो इंस्टा पे वो शूज वाला एडवर्टीजमेंट आ रहा है सो so, क्या होता है कि वो चीज मेरे पास बार बार आ जाती है नाइल सी की चलो अच्छा इसको बाय कर लेते हैं so, तो क्या होता है कि वो प्रिसाइजली टारगेट ऑडियंस तक पहुंच गई और उनको उसका आउटकम भी मिल गया कि चलो उस बंदे तक एडवर्टाइज इतना कर दिया कि उसने उस चीज़ को खरीद लिया सो दैट इज दर बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड दैट इज द फोर्थ आई मीन फोर्थ पॉइंट इज also वेरी रिलेटेड interactive engagement. इट्स नॉट लाइक जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर में देखती हूँ तो मैं सुबह देखी एंड देन आई forget अबाउट इट कि चलो मैंने सुबह कुछ देखा था पहले के जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ नाउ जब भी आप अपना फोन ओपन करोगे आपको वो चीज़ बार बार एज अ नोटिफिकेशन या चीज़ें आती रहेंगी देन यू विल यू नो यू थिंक कि चलो अच्छा खत्म करते हैं बाई करके हटाते हैं इसको दैट इज काइंड ऑफ इंटरेक्टिव एंगेजमेंट वो अपनी ऑडियंस को देख रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं उनको इतनी बार वो चीज़ नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि बंदा सोचेगा कि चलो उसको खरीद लेते हैं सो दैट इज द अनदर बेनिफिट ऑफ यू नो डिजिटल मार्केटिंग एंड फिफ्थ पॉइंट इज ईजियर पर्सनैलिटी ईजियर पर्सनलाइजेशन फॉर द कस्टमर सो वॉट इट मीन्स जब भी आप जोमैटो पे जाते हो गए या कोई मतलब कुछ चीज़ सर्च करी या कोई फूड आपको ऑर्डर करना है, या कुछ तो आप देखते हो कि उन्होंने ऐसा मैसेज करते हैं कि पिज्ज़ा तो आपको खाना ही पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट वो बहुत पर्सनलाइज ऐसे मैसेज आपको नोटिफिकेशंस आते रहते होंगे ये नहीं खाया तो क्या खाया और समथिंग लाइक दैट तो वो क्या करते हैं वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जानते हैं कि हा दिस पर्सन लाइक्स मे बी द पिज्जा और द बर्गर समथिंग लाइक दैट दैट एंड बेस्ड अपॉन स्टार्ट सेंडिंग यू नो समथिंगलाइज नोटिफिकेशन टू दैट पर्सन जब आपको ऐसे बार बार नोटिफिकेशन आने लगे देन यू विल थिंक कि चलो अच्छा यार, यार इसको ऑर्डर कर ही देते हैं सो दैट इज द अनदर बेनिफिट ऑफ यू नो डिजिटल मार्केटिंग आप देख सकते हो कि वो कितनी जल्दी अपनी चीजों को प्रमोट करके सेल कर देते हैं क्योंकि पहले में बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरक्शन ये चीजें पहले नहीं हो पाती थी जस्ट बिकॉज नॉट एवरी वन हैव दैट डिजाइज और एप्लीकेशन दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल बट नाउ देयर आर यू नो दिस डि देयर दिस यू नो एवरीथिंग इज देयर वॉट यू नीड टू डू यू जस्ट नीड टू गो एंड ऑर्डर दे आर यू नो रीडिंग योर माइंड लाइक दे आर रीडिंग देयर कस्टमर माइंड एंड दे आर यू नो दिस इज काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप किसी चीज को डिजिटली कितने अच्छे से मार्केट कर सकते हो कि आपका कस्टमर आपकी चीजों को खरीद लेता हो क्योंकि आप देखते हो ऐसे जो टॉप कंपनीज है लाइक दम मिंत्रा फ्लिपकार्ट या फिर ऐसे जो जोमेटो स्विगी ये कुछ जो है ये टॉप में है why because they know how this digital marketing is working the search engine optimization email marketing message marketing social media marketing in marketing strategy hai hai. they are investing a lot on this digital marketing so it's very that's where you know it's a quite trending skill and you need to learn you know this is skills because aap ye skills learn karoge, as i mentioned it's a quite trending then you can earn a lot more money for, from that because everyone wants to you know learn this uh, digital marketing and everyone wants to earn from this digital marketing so that's where it's uh it's a quite ट्रेंडिंग स्किल्स एंड जो कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी उसमें वो बता भी रहा था देयर विल बी लॉट मोर जॉब्स इन अपकमिंग ईयर्स ऑन दिस डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज दीज आर समथिंग इन क्वाइट ट्रेंडिंग एंड लॉट मोर जॉब विल बी ओपनिंग फॉर दिस टाइप ऑफ यू नो डोमेन्स सो दैट बहुत सारे लोग आई मीन बहुत सारे जो अच्छे डिजिटल मार्केटर्स हैं वो कंपनी हायर करेगी एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस डिजिटल मार्केटिंग लाइक जब आपके पास ये सारी स्किल्स होती है देन यू विल यू नो ग्रो एंड लर्न दिस डिजिटल मार्किटिंग एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विथ कस्टमर्स एट वेरियस स्टेज वो क्या होता है कि आप जब कोई चीज देखते हो आपको नोटिफिकेशन आती है बैक टू बैक एंड देन उसके बाद आपने बाय कर लिया देन वो आपका फीडबैक भी मांगते हैं कि हाउ दैट प्रोडक्ट वॉज वेदर यू यू लाइक डिट और नॉट

डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। न आल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इन माय नेक्स्ट स्लाइड डेक सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या लाइक मी यू नो स्क्रॉल माय वीडियो सो दैट वी कैन यू कैन आल्सो सी मी एंड देन आई कैन आल्सो टॉक अबाउट दिस टॉपिक या सो टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सोसल चमाइजेशन सो इट्स अ क्वाइट ट्रेंडिंग आई थिंक आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू यू नो टॉक अबाउट दिस टॉपिक सो जब भी आप मे बी आप यूट्यूब पर आप कोई वीडियो सर्च कर रहे हो मे बी अबाउट द ग्राफिक डिजाइनिंग तो आप देखते हुए कुछ वीडियोज़ जो होते हैं वो टॉप पे आते हैं हजारों लाखों लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे वीडियो बनाया होगा बट कुछ लोगों का वीडियो ही क्यों ऊपर होता है सो यू मस्ट यू नो

तभी उनका वीडियो टॉप पे आ रहा है जब भी आप देखते हो गए ऐसे जो टॉप ब्रांड्स होते हैं एकदम जो टॉप के होते हैं वही हमेशा टॉप पे रहते हैं वाई द रीजन बींग दे आर इन्वेस्टिंग अलॉट ऑन दीज टाइप ऑफ यू नो पर्सन लाइक दो नो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो उनके थ्रू क्या होगा कि उनकी जो वेबसाइट है या उनका वीडियो कहीं भी वो टॉप पे रहेंगे तो जो चीज़ टॉप पे होती है अक्सर हम उसी चीज पे जाके बार बार क्लिक करते हैं लाइक मुझे भी कोई वीडियो देखना होता है तो जो भी चीजें टॉप पे आती है आई क्लिक ऑन दैट वीडियो ओनली लाइक मैं हजार वीडियो स्क्रॉल नहीं करती मैं जो भी सामने आ गया आई क्लिक ऑन दैट बिकॉज आई नो कि वो टॉप पे अब क्योंकि जब बार बार आप किसी चीज को क्लिक करोगे तो उसके व्यूज भी बढ़ेंगे so that's where you know that's why this search engine optimization is quite a trending skills and i'll talk about you know some courses there you can you know learn the basics of the search engine optimization however if you if you are interested me to create video on the search engine optimization then i'm, I'm more than happy to create video on this topic because this is a quite a, a, a trending topic and i love to talk about you know this trending topics and all then the second is content marketing सो कंटेंट मार्केटिंग इज नथिंग बट जब आप कुछ देखते हो तो मे बी आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट किया तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखे होते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केटिंग आप किसी चीज़ को कितने अच्छे वे में लिख रहे हो इट्स नॉट लाइक नो बडी वॉन्ट्स टू रीड द लॉन्गर पैराग्राफ आप कितने कम वर्ड्स पे कितने अच्छे से उस पैराग्राफ को पैराफ्रेज करते हो या लिखते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर दी you know content marketing i'll not although i'll not go to I'm, I'm not going to talk about in very details it topics you are listed otherwise it will take a lot more time i'll give just quick overview of that so social media marketing so that is also quite trending i've also created separate video on this social media marketing सो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज नथिंग बट जब आप देखते हो गए आप लिंकन खोलते हो गए या फिर इंस्टा uh, खोल रहे हो फेसबुक खोल रहे हो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका जो सोशल मीडिया आप ओपन करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे मतलब वेबसाइट्स uh, है या फिर पेजेस हैं जो अपनी मार्केटिंग करते हैं तो मे बी आपने मिंत्रा का आपने मिंत्रा का ऐप भी देखा है एंड देन यू आर लुकिंग बैक मिंत्रा का पेज उस पर पे भी है लाइक like, लिंक uh, पे भी है नॉट हाँ एक्चुअली लिंकडिन पे भी है इंस्टा पे भी है फेसबुक पे है सो दैट इज काइंड ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग बिकॉज सोशल मीडिया पे सारी जनता है चाहे वो आपके घर में बच्चे से लेके बड़े तक सब सोशल मीडिया पे है सो सोशल मीडिया मार्केटिंग सो दैट इज वॉट सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो आप किसी भी रैंडम चीज को ले लो मींत्रा से लेके किसी खाने की ब्रांड्स को लेके किसी कॉस्मेटिक की ब्रांड को ले लो या कुछ भी आप ले लो सबके सोशल मीडिया पेजेस होते हैं मे बी कोई ट्रिप्स या ट्रैवलिंग एजेंसी या कुछ भी सबके प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे होते हैं सोशल मीडिया मैनेजर दोज हु मैनेजिंग दोशल मीडिया प्रोफाइल्स सो ये जो सोशल मीडिया सो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई तो सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब भी निकल गई सो इफ यू नो हाउ टू रन दो हाउ टू मैनेज द सोशल मीडिया और हाउ टू रन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अच्छी पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है कंटेंट कैसे लिखना है पोस्ट कैसे करनी है देन यू कैन बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको ये जॉब मिल भी सकती है इट्स वेरी इजी आई हैव क्रिएटेड वन वीडियो ऑन द टॉप यू नो top 10 freelancing websites from where you can easily get this social media marketing job if you know how to you know handle the social media platform so that is also quite a trending skills then pay per click and affiliate marketing native advertising marketing automation this automate automation is nothing but like up ai ke through kitni achi, you know marketing kar sakte hai. so it's not possible to cover everything in one video but yeah if you want to learn more about in depth आई कैन डेफिनेटली क्रिएट वीडियो ऑन दैट पार्ट एंड देन ई मेल मार्केटिंग सो आप देखते हो आपको बहुत नाइस ई मेल्स आते होंगे किसी भी यू नो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो, जो वेंडर होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिकॉज आई एम रनिंग माई वीडियो आई मीन यूट्यूब चैनल सो आई एम समाइम्स आई एम ऑल्सो रिसिविंग यू नो नाइस ई मेल्स फ्रॉम दम नेल डिजाइनर और द वीडियो एडिटर दैट आई कैन यू नो क्रिएट डिजाइन द थम नेल फॉर योर यूट्यूब चैनल आई नो यू आर नो You are creating videos, but that should have you know attractive thumbnail, or the video editing should be good, or something like that. I'm receiving you know emails from those persons, so whenever I need video editor or thumbnail designer, I know that I have those email IDs, so I can easily contact them and then I can ask you know some samples you know in a past, and then based upon that, I can you know give work to them.

सो so, पहले भी देखती हूँ कि क्या है वेबसाइट एंड एस ई ओ सर्च इंजन ऑप्टमाइजेशन एज आई मैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन थिंग और ट्रेंडिंग थिंग अंडर द डिजिटल मार्केटिंग कि सर्च इंजन ऑप्टमाइजेशन के थ्रू क्या होती है आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है एंड इट ड्राइव दर्गेनिक ट्रैफिक लाइक जो भी ट्रैफिक में आप सबसे ऊपर होते हो लाइक like, आपकी जो चीज़ें होती है वो ऊपर आती हैं एंड आपकी जो वेबसाइट होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी डिजाइन होनी चाहिए तभी जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं सो दैट इज द वन थिंग एंड देन मूविंग द सोशल मीडिया मार्केटिंग एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अलॉट अबाउट दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग सो या दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की सोशल मीडिया मार्केटिंग थिंग यू कैन से दैट की डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द ई मेल मार्केटिंग आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट की इफेक्टिव ई मेल लिखना एंड देन उस ई मेल को उस पर्सन तक पहुँचाना जिसे जरूरत है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ मैं मेरे पास थमनल डिजाइनर और वीडियो एडिटर की अच्छी क्राफ्टेड और पर्सनलाइज ई मेल आती है कि आपका वीडियो तो बहुत अच्छा है बट मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छे से एडिट करो ताकि आप, आपकी ऑडियंस और बढ़े

गेट द जॉब फॉर दैट एस आई मैंशन की बहुत सारे फ्री, फ्री लेंसिंग के प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है या फिर आप ऐसे कंसिस्टेंटली ये सारे स्किल्स लर्न करते रहो और जहाँ भी भी आपको लगता है लिंकड इन पर चेक करो जहाँ भी भी ऐसी ऐसी वैकेंसीज निकलती है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो सो so, कौन सी ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है सबसे पहले यू हैव टू गुड इन यू नो सोशल मीडिया मार्केटिंग और यू हैव टू गुड इन यू नो और दिस ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनिंग इज नथिंग बट आपको बहुत अच्छी पोस्ट डिजाइन आनी चाहिए कंटेंट लिखना आना चाहिए आपको इन्फोग्राफिक्स पता होना चाहिए या आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे फ्लायर्स और पोस्टर्स आते हैं वेल well डिजाइंड होते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको क्या करना है यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स सो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियो ऑन द ग्राफिक डिजाइनिंग और कैसे Anba और एडोबी एक्सप्रेस जिसको मैंने डिटेल्स में बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे वर्क करती है उसकी Post anime a one arca detailed video so if you have not watched that video and if you want if you are interested if you find that that can be you know beneficial for you i will highly recommend to go and watch those videos so that you will definitely you know learn this social media ma uh, uh, marketing and then this graphic designing these type of skills and then i will also create video on the search engine optimization email marketing or such type of things so that you will get the details idea about these topics so

डिजिटल मार्केटिंग एंड एज आई मैंशन इज इट्स वन ऑफ द ट्रेंडिंग स्किल्स और जिसके थ्रू आप बहुत पैसा कमा सकते हो बिकॉज एवरी वन इज़ लुकिंग फॉर सम वन दोज हु नो हाउ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वर्किंग एंड हाउ दोज हु नो हाउ टू रन दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड दीज थिंग्स दैन यू कैन गेट अ हायर पेड जॉब और अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो दैन इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू अगर आपका खुद का बिजनेस इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू हायर एनी पर्सन इफ यू वॉन्ट टू डू एवरी थिंग बाई योर सेल्फ देन यू कैन ऑल्सो यू नो गो विद दिस i mean learn these skills and apply in your business as well so now moving towards the courses like there are good courses offered i mean uh, some of the best courses offered by the you know top uh, top uh, i mean companies i can say like the google microsoft or something like that so i will also you know just uh, i'm sharing my screen i hope you all can see that i'm you know i'm adjusting my screen so that in the meantime i can also you know show my videos so just a second guys i need to you know close my phone <clears throat> yeah so i'm sorry for that because one of the call is coming so now coursera so this is the course that that is offered by the google google digital marketing and e-commerce professional certificate so i will highly recommend to complete this course if you want to learn दिस डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज दिस कोर्स इज ऑफर्ड बाई दी गूगल एंड इट इज अवेलेबल ऑन द कोर्स प्लेटफॉर्म और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है एंड इट्स फॉर द बिगिनर्स लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत हाई लेवल पे हो देन यू आप कर सकते हो ये बेसिक लेवल पे है और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड देन यू कैन आल्सो मेंशन दिस सर्टिफिकेट इन योर रिज्यूमे और ओवर द लिंकड इन प्रोफाइल्स सो या दिस इज दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड आई विल स्क्रॉल अप इट एंड देन टॉक अबाउट दिस कोर्स सो व्हाट यू विल लर्न यू विल लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स skills required and then how to attract and engage the customer through the digital marketing like the search and emails and measure the uh, marketing performance through the analytics and present insights so you will learn about the analytics or i mean this present insights and all and how to build a e e-commerce stores and analyze the online performance and you know customer strategy and all these type of things you will learn so this this course will prepare for you you know professional level of training for the google and also you can uh, earn a certificate from by the google or also you will learn the proficiency in pro portfolio ready project management and all so

जो कि एंट्री लेवल डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटर और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट के लिए रिक्वायर्ड है सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू नो विच यूजुअली डिजिटल मार्केट और ई e कॉमर्स वाले जो भी लोग होते हैं वो हैंडल करते हैं and then it will explain the concept of the marketing funnel and understand the element and goals of the digital marketing and e-commerce strategy so overall you will learn these type of skills you know social media branding and then social media analytics customer engagement and these type of things are you know quite uh, uh, required like if you want to become a good digital marketer and then second is attract and engage customer with the digital marketing as i mentioned key digital marketing bohati, you know customer is interact at different different stages space. so yeah i mean it's very important to learn how you can you know attract uh, your customer uh, for your platform so you, what you will learn you will recognize the strategy to build brand awareness among the potential customer and then explain the purpose of the search engine Optimization. Oh wow! So, see search engine. Uh, so, I will highly recommend to complete this course because you will learn about the search engine optimization and then search engine marketing and then so after completing the second course, you will learn about the e-commerce strategy, e-commerce platform, and then fulfilling fulfillment and delivery website structure. So, yeah, I mean this whole course is I found you know very beneficial. Like uh, at the beginner level. So I mean you will get all the concept about the uh, this digital marketing and then third is about the from like to leads interact with customer online how you can interact you know with your customer online maybe the social media marketing describe it purpose and then you know what are the core pillars of the social media marketing strategy and then uh, goals for the social media campaign and then write design and repurpose the uh, you know engagement content for the social media so what you will learn like you will learn the google search engine marketing mechanism and then customer awareness SEO our website structure so and then other courses about the thing outside of the box like email marketing see I was about to create video on this topic but if you can complete this course you will get everything at this place like one stop shop course you will learn the basics about the uh, digital marketing and uh,

So, these type of, you know, things you will learn and uh, other courses about the assess for success marketing analytics and measurements. So, you know, define the planning and the strategy and define the successful marketing campaign and such type of things, you know, you will learn. I will not uh, go in very details because I know when you will open, you will definitely, you know. See what type of courses are available. You know, make the sales and build, we'll launch and manage e-commerce stores. So those who want to learn how to manage the e-commerce store and how to build and launch. So yeah, this is very beneficial. I can say that. And the last but not least, satisfaction guaranteed, develop customer loyalty online. So yeah, it's very important that your customer is satisfied. Whatever you are, you know, offering to your customer. So yeah, I mean, this whole course is guys very beneficial if you want to learn digital marketing from starting to end at the beginner level I cannot say it's at the I mean it's for the you know high level because it's just for the beginner level as it's mentioned because, because I'm also not a digital marketer but yeah I'm creating courses or awareness so that you will know what type of you know information is already out there and what is the basics of this digital marketing so this is

आपको जो भी सही लगता है और इफ यू वांट टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज दोज कोर्सेज आर कंप्लीटली फ्री एंड यू विल अर्न सर्टिफिकेट यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज कोर्सेज सो नाउ मूविंग टू द सेकंड वन दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स सो सो दिस कोर्स इज़ प्रजेंट ऑन दी हब स्पॉट अकेडमी सो ये कोर्स भी बिल्कुल फ्री है और आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा अगर आप अपने आप को यू नो इस मार्केटिंग मैनेजर स्ट्रैटी में आप स्किल करना चाहते हो मे बी कंटेंट मार्केटिंग और इफ़ यू आर एट द स्टूडेंट लेवल सो या आई मीन यू कैन गो एंड कम्प्लीट दिस कोर्सेज एंड देयर आर टोटल नाइन लेसन थर्टी सेवन यू नो वीडियोज़ आर अवेलेबल सो आई कैन से दैट कि ये बहुत ही अच्छा कोर्स है आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स हैं कंटेंट क्रिएशन Uh, you know, framework SEO, SEO strategy, you can improve your website performance and then successful video. Kaise bana sakte ho. So, everything is you know present in this course. So, that course is available on the HubSpot Academy, and this is also a very repetitive academy. So, yeah, you can go and complete this course. Now, I will move towards the another one that is offered by the rush अकेडमी सो सैमरस एकेडमी इज आल्सो अ वेरी रेपुटेटेड वन सो आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज जैसे कि आप देख सकते हो सो हियर यू कैन आल्सो लर्न यू नो डिजिटल एडवर्टाइज एडवर्टाइजिंग मास्टरिंग यूट्यूब सर्चिड एंट्रेंस एंड एस ई ओ स्ट्रैटी सो यहाँ पे आपको बिट्स एंड पीसेज में मिलेंगे आपको ऐसा नहीं है कि एक वन स्टॉप शॉप की तरह पूरा डिजिटल मार्केटिंग का मिल जा रहा है क्या उसके अंदर सारे हैं बट यहाँ पे एस ई ओ के अग हैं डिजिटल एडवर्टीजिंग के अलग है ई मेल कंटेंट राइटिंग के अलग है तो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इस खुद कर सकते हो एंड मूविंग टू द लास्ट वन दैट इज ऑफरिंग बाई दी मेटा एंड मेटा यू नो दैट इज़ द फेसबुक तो देट कोर्स इज ऑफरिंग बाई द फेसबुक तो आप देख सकते हो कि इनका लेवल बहुत हाई फाई है एंड देट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द कोर्स है जहाँ पर आप देख सकते हो कि मेटा शोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट तो ये भी कम्प्लीटली फ्री है और ये भी एट द बेगनर लेवल है सो यू कैन यू नो गो इन कम्प्लीट दिस कोर्सेज एंड आई जस्ट टॉक अब इट अबाउट यू नो कौन से कितने कोर्सेज अवेलेबल टोटल सिक्स कोर्स अवेलेबल है सो इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट फंडामेंटल ऑफ द सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड एडवरटाइज एडवर्टाइजिंग विद मेटा एंड यू नो मेजर एंड ऑप्टिमाइज द सोशल मीडिया कैंपेन एंड देन मेटा सोशल मीडिया मार्केटिंग कैपस्टोन सो वन बाई वन आप जाके देख सकते हो और आप देख सकते हो कि कितने सारे लोगों ने ये कोर्स किया है बारह हजार लोगों ने चार हजार लोगों ने दो हज़ार लोगों ने दो हज़ार लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स किया है सो आई एल नॉट talk uh more because i know you can go and scroll these things and you can see ki it is beneficial hai. so आई विल आई होप की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा दोज हुट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एंड आई एम श्योर इट्स नॉट द बेसिक ये बेसिक से भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आई हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ द यू नो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग उसके बेनिफि क्या है और ये जो कोर्सेज मैंने ऑफर आई मीन जो मैंने आपके लिए लिस्ट किए गई आई हैव डन अ थॉरो सर्च बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू गिव यू द रैंडम वन की आप कुछ भी कर लो आई नो जो भी ऐसे कोर्सेज है जो मेटा बनाता है गूगल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट बनाते हैं हब स्पॉट दैट इनका लेवल बहुत ऊपर होता है बिकॉज दे आर द टॉप लीडिंग यू नो कंपनीज इन द वर्ल्ड तो इनका लेवल हमेशा हाई होता है सो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दीज कोर्सेज एंड एज आई मैंशन किए कोर्सेज फ्री हैं और सर्टिफिकेट्स भी ऑफर कर रहे हैं सो गो एंड कंप्लीट दिस कोर्सेज एंड इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ यू नो प्लीज एड यूर कॉमेंट एंड दैट्स रियली बेनिशियल टू नो यू नो की मेरी चीज़ें कितनी मेरे ऑडियंस के लिए हेल्पफुल है या फिर इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग मोर देन यू कैन आल्सो यू नो ऐड योर कमेंट्स आई एम मोर देन हैप्पी टू क्रिएट यू नो वीडियो वीडियोस बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट बिकॉज आई वांट एवरीवन टू लर्न ऑल द ट्रेंडिंग स्किल्स और जो भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बहुत ही बेसिक सभी चीज़ें जानना हो सो यू कैन कॉमेंट ऑन दैट बट इफ़ आई नो दोज थिंग i'll definitely create if i don't know i'll do a thorough search and then i'll create video on that part so yeah thank you for watching my channel and then uh, if you have not yet subscribed my channel you know please subscribe my channel because i'm creating video on the tech jobs or high paying trending skills and these type of you know uh, topics and uh, yeah hit on the like button subscribe my channel add your comments yeah thank you so much for watching bye bye